हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्फिनिक्स फ़ोन स्विच ऑन नहीं हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है, तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ तरीका बताएंगे जिसकी मदद से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है तो फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी, फिर आप फ़ोन को चला पाएंगे। अगर इस तरह ऑन नहीं होगा तो फिर क्या करना है, फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक होती है और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम होती है, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है तो फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। तो इस तरह भी ऑन कर सकते हैं। अगर इस तरह भी ऑन नहीं होगा तो फिर क्या करना है, फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक होती है और वॉल्यूम अप और डाउन बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा और कम होती है, इन तीनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है तो फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी, तो फिर आप अपने फ़ोन को चला पाएंगे। तो इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन को सही कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर फ़ोन चार्ज नहीं रहता है तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज होगा तो कुछ समय तक अपने फ़ोन को चार्ज कर लेना, फिर इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन को सही कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।